नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंडियन नेवी का जो एडमिट कार्ड है AAO के लिए, तो ये आपके लिए रिलीज़ हो गया है आज। और अभी इसी वक्त आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 12 फरवरी, तो ये रिलीज़ कर दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए आपको दिया गया है कि ये 12 फरवरी से 25 फरवरी के बीच ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। तो कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो मैं अभी फ़िलहाल आपके सामने जो डेस्कटॉप खुल रहा है, ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। ये आपको दिया गया है यहाँ पे www.joinindiannavy.gov.in। आप इसे सर्च करेंगे तो आप इसी ऑफिशियल पेज पर डायरेक्टली आ जाएंगी। ओके, बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी अकाउंट है उसमें लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करना मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर रखा हूँ। तो मैं अपने माई अकाउंट में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस पे आप जाएंगी, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखेंगे, एक पेंडिंग एक सबमिट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट में आपको देखना है क्योंकि आपने सबमिट कर दिया आपका फॉर्म। ये था आपका AAO के लिए, ही SSR के लिए। तो SSR का जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है, वो जब आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये व्यूज़ पे क्लिक करना है। तो AAO के व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने दिखेगा, और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने वाली हैं। तो ये जो डाउनलोड दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक नहीं करना है। इससे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यही आपका डाउनलोड होने वाला है। इसमें जो आपको सबमिट किया था वो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का होम पेज आपके सामने होगा। यहाँ पे होगा कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आपको इसके डेस्कटॉप वर्जन पे आपको खोल लेना है। तो डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इसे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो फिलहाल ये अभी नहीं ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से इस पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लिक हेयर पे क्लिक करने के तुरंत बाद मैं इसे डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर देता हूँ। तो ये आपका डेस्कटॉप मोड ऑन हो गया, और उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। इसे आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डेस्कटॉप वर्जन आप पहले ही सेट कर लीजिए अपना। उसके बाद आप इसे इस प्रकार की इस पेज पर आप चले जाएंगे। एक बार नहीं हो रहा है तो फिर से ट्राई कर लीजिएगा, इस बार खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि आप 12 तारीख से 25 तारीख एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे पास आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फॉलो द लिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एट लॉग इन पेज। एंटर द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डे, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्म में डालना है। एट द रिक्वायर्ड प्लेस टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है लॉग इन कंडीशनल। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपको आपके जो प्रिंट आउट आपको मिला होगा, हार्ड कॉपी जो आपके पास होगी उसमें आपको मिल जाएगा। और आपने अगर लॉग इन किया होगा तब भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लगा देंगे, और यहाँ पे पासवर्ड के रूप में आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, और ये इमेज जो आपको दिख रहा है इसे आपको थर्ड कॉलम में यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका एडमिट कार्ड आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पे एक दो बार गलती कर दें, तो फिर से कोशिश कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड सही से डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर सही से लगाना है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म आपको दिख रहा है, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25/2/2018, तो आपको लिखना है 2502/2018। ये डैश वाला चिन्ह आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये जो 8 अंक हैं यही आपका एंटर करना है, और ये 8 अंक ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो कई बार आपको गलती हो जाती है, यहाँ पे लिखा भी आएगा इनवैलिड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए सही से आपको एंटर करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला। तो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो टेक केयर एंड तैयारी करते रहिए अच्छे से, और सपोर्ट करते रहिए मुझे भी। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा लो, और शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो समस्या हो कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।